everyone. Good morning to all of you. Welcome in my class. How are you? I hope you are fine at your home. Okay? Then, our today's chapter is our family. Okay? आज हम बात करेंगे अपनी फैमिली के बारे में. सो अपना ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया, आप फैमिली. अब फैमिली क्या होता है, ओके? आप जहाँ पे रहते हो और जिस हाउस में आप रहते हो, ठीक है, फैमिली ये आपकी जैसे आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कजिन्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो लोग आपके पास साथ में रहते हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उतना तो समझते ही हो ना. तो ये लोग जब आपके साथ में रहते हैं तो ये लोग जहाँ पे रहेंगे आपके साथ में, वो तो आपका क्या हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, वो तो क्या हो गया, हाउस हो गया. और आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर, फादर, ओके, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे लोग क्या हो गए, आपके फैमिली हो गए, ठीक है. तो आप अपनी फैमिली के साथ में जहाँ पे रहते हो वो हाउस हो गया, और जो आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स वगैरह जो भी आपके साथ में हैं, वो सारे आपके क्या हो गए, फैमिली हो गए. और अगर पर्टिकुलरली अगर इनके बारे में बात करें तो इनको आप फैमिली मेम्बर बोल सकते हो. ये आपकी फैमिली के मेम्बर हो गए, सो आप इनको फैमिली मेम्बर बोल सकते हो, ओके. देन नाउ ऑफ आर फैमिली, ओके. सो फैमिली की जो वर्ड अपना उसके बारे में आप समझ गए होंगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज टेल योर टीचर अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है. आप वन बाय वन इस टाइप से बता सकते हो अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है. आप अपने टीचर्स को बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब आप नहीं बता सकते हो तो जब भी आप सैटरडे को स्कूल में आओगे तो उस टाइम पे आप बता सकते हो अपनी फैमिली के बारे में, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम योर टीचर, आप अपनी फैमिली के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो कि आपके कौन कौन सी फैमिली हैं, ओके. या फिर आपको जैसे भी कोई बाहर वाला कोई अंकल वगैरह आपके हाउस पे आए तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है. देन ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है. और आपको क्या करना है, आपकी फैमिली के जो मेम्बर्स हैं, हाउ मैनी मेम्बर, जिस हाउस में आप रह रहे हो, जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको काउंट करना है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और कितने हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. नंबर्स ऑफ फैमिली, जैसे फाइव मेम्बर्स हैं, सिक्स मेम्बर्स हैं, फोर मेम्बर्स हैं, इस टाइप से आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स की जो काउंटिंग है वो लिखनी है, ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पे अपने को एक स्टोरी दी हुई है रोहन की, ठीक है. देन हेलो आई एम रोहन, ठीक है. ये कौन बोल रहा है, रोहन. और रोहन कौन है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे पिक्चर, ये कौन है, रोहन. हेलो आई एम रोहन, आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, ठीक है. मैं अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर के साथ में अपनी फैमिली में रहता हूँ. माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड मी मेक माई फैमिली. मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर हैं, और ये सब मिलके हम क्या बनाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, ठीक है. तो ये आप यहाँ से बता सकते हो. ये तो किसने बताया यहाँ पे, रोहन ने. रोहन के जैसे ही आप भी अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो. इन ए फैमिली ऑल मेम्बर्स लिव टुगेदर, ठीक है. एक जो फैमिली होती है उसमें सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ में मिल के रहते हैं, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे रोहन ने बताया वैसे ही आप भी बता सकते हैं, ओके. जो जिसका जैसे जो भी नाम है उस तरह से आप अपना नेम और अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव इज, ए फैमिली मे बी बिग और स्मॉल. जो फैमिली है वो बिग भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है. बिग कैसे, बिग कैसे होगी, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, सब लोग आपके साथ में रहें. जैसे अगर अपन बात करें स्मॉल फैमिली, तो अगर आपके पेरेंट्स और आप सिर्फ किसी फैमिली में रहते हो तो वो फैमिली आपकी क्या हो गई, स्मॉल फैमिली हो जाएगी, ओके. अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं और आप रहते हो तो उस फैमिली को आप क्या कहोगे, स्मॉल फैमिली, ओके. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के अलावा
उस फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, आपके अंकल आंट भी रहते हैं, ठीक है, तो उस फैमिली को आप क्या कहोगे? बिग फैमिली। ओके, उनके आपके कजिन्स वगैरह सब लोग अगर रहते हैं तो आप क्या कहोगे उनको? बिग फैमिली। इन ए स्मॉल फैमिली चिल्ड्रेन लिव विद देयर मदर एंड फादर। स्मॉल फैमिली कौन सी होती है जिसमें चिल्ड्रेन रहते हैं? वो अपने फादर एंड मदर के साथ में रहते हैं। तो इस टाइप की फैमिली को आप क्या कहोगे? स्मॉल फैमिली। ए स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। एक स्मॉल फैमिली जो है उसको आप न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपकी क्या हो गई? न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें ओनली पेरेंट्स हैं और उनके टू चिल्ड्रेंस हैं। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव द सेम सरनेम। जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स का जो सरनेम होता है वो सबका सेम होता है। जैसे किसी का गुप्ताज, शर्माज, ओके, इस टाइप से जो होता है वो क्या होता है? सरनेम होता है। और जो सेम फैमिली होती है उसमें सरनेम सबका सिंगल ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज इन ए बिग फैमिली चिल्ड्रेन लिव विद देयर पेरेंट्स। एक जो बिग फैमिली होती है उसमें क्या होता है? जो चिल्ड्रेन हैं वो किस किस के साथ में रहते हैं? अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन, सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं? इनकी फैमिली बनाते हैं। ए बिग फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। एक बिग फैमिली को आप जॉइंट फैमिली भी बोल सकते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ ए जॉइंट फैमिली। ओके, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, आपके अंकल आंटी हैं, ओके, आपके कजिन्स, ठीक है, बुआ जी, फूफा जी, जो भी है, ये सभी लोग। सो दिस इज द जॉइंट फैमिली। ओके, इसमें आपके ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, आंट, एवरीवन लिव टुगेदर, ये सभी लोग क्या करते हैं? साथ में रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about exercise of this chapter. So, thank you.